अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मायराज किचन। आज की वीडियो में हम आपके साथ सुलेमानी मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये मटन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में हम ऑयल एड कर रहे हैं 1/2 कप, चॉप्ड अनियन है 1/3 कप, और अब प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगा तो अब हम ऐड कर रहे हैं ग्रीन चिलीज 10 से 12 अदद, और ग्रीन चिलीज को हमने बीच में से कट कर लिया है। चॉप्ड कीवी गार्लिक है 1 टेबल स्पून, चॉप्ड अदरक है 1 टेबल स्पून, और पकाएंगे तकरीबन 2 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर। दो मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद हम ऐड कर रहे हैं बॉयल्ड मटन 1/2 kg, और अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अब हम ऐड कर रहे हैं कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर है 1 टीस्पून, और नमक ऐड कर रहे हैं 3/4 टीस्पून। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो अब हम पकाएंगे 5 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पर। जी फ्रेंड्स, हमने 5 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पर पकाया है और हमारी मज़ेदार और झटपट बनने वाली सुलेमानी मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मायराज किचन। फ्रेंड्स, मायराज किचन में आज हम आपके लिए बना रहे हैं व्हाइट मटन कढ़ाई। व्हाइट मटन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में हम ऐड करेंगे मटन 1 kg, अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं 1.5 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून, पानी ऐड करेंगे तकरीबन 3 कप, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब गोश्त को उबलने देंगे। गोश्त में जैसे ही उबाल आने लगा है तो अब हम ऐड करेंगे स्लाइस्ड अनियन 1 कप, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब कवर करके प्रेशर कुक करेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट तक। जी फ्रेंड्स, हमने तकरीबन 25 से 30 मिनट तक गोश्त को प्रेशर कुक किया है। अब एक फ्राइंग पैन में हम उबला हुआ गोश्त और यखनी ऐड करेंगे। गोश्त को यखनी समेत ऐड किया है और अब गोश्त को पानी खुश्क होने तक तेज आंच पर पकाएंगे। जी फ्रेंड्स, हमने गोश्त का पानी खुश्क होने तक तेज आंच पर पकाया है। अब ऐड कर रहे हैं ऑयल 1/2 कप, चॉप्ड कीवी लहसुन है 1 टेबल स्पून, चॉप्ड अदरक है 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर है 1 टीस्पून, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ग्रीन चिलीज हैं 3 अदद मीडियम साइज की, धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, और अब तकरीबन 5 से 6 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर है 1/2 टीस्पून, व्हाइट पेपर पाउडर ऐड कर रहे हैं 1/4 टीस्पून, और योगर्ट ऐड कर रहे हैं 1 कप। और अब तकरीबन 2 से 3 मिनट्स तक पकाएंगे। जी
फ्रेंड्स, हमने गोश्त को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाया है और अब हमारी बहुत ही आसान और मज़ेदार वाइट मटन कढ़ाई सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे एक और वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।